अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर है या ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, और कुछ इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बने रहिए लेक्चर के एंड तक। अभी तक आपने थिंक इनसाइड गैलेक्सी है इनको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इनको सब्सक्राइब कर लीजिए। सो पहले हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर है। सो ऑक्सीडेशन नंबर को दूसरा हम यहाँ पे नाम देंगे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हम कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, हम यहां पे कह सकते हैं अपेरेंट जो चार्ज है, अपेरेंट चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव व्हिच एन एलिमेंट वुड हैव इन अ कंपाउंड्स, कोई भी कंपाउंड है जिनके अंदर जो एलिमेंट्स मिले हुए हैं उनके पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो है उसी को हम यहां पे कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर है। सो ऑक्सीडेशन नंबर को यहां पे हम ऑक्सीडेशन नंबर कहें या हम इनको दूसरा नाम देंगे ऑक्सीडेशन नंबर, या हम इसको कह सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हम यहां पे कहेंगे। सो यहां पे लिखा हुआ है कि अपेरेंट या हम इनको कह सकते हैं फॉर्मल, या हम इनको कह सकते हैं नॉट रियल। किसी एटम के ऊपर जो है कोई रियल चार्ज ना हो, जो चीज जो हम यहां पे कहें नॉट रियल हो या अपेरेंट हो या फॉर्मल चार्ज हो, तो फॉर्मल चार्ज को ही यहां पे हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर है। तो ऑक्सीडेशन नंबर को जो ये डेफिनेशन इनकी थी। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी है, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर क्या फर्क है। तो वैलेंसी को यहां पर हम पढ़ के आए हैं कि वैलेंसी इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, किसी जो एलिमेंट्स है उनकी कंबाइनिंग की कैपेसिटी जो है उसको हम यहां पे कहते हैं कि वैलेंसी कहते हैं। और वैलेंसी कभी पॉजिटिव या नेगेटिव में नहीं मिलती है, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हमें पॉजिटिव और एज वेल एज हमें नेगेटिव में जो है ऑक्सीडेशन नंबर वो है वो मिलती है। सो उनके बाद यहां पर हम ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कुछ, तो उसके बारे में हम यहां पर आते हैं डिस्कस करते हैं। तो पहले नंबर वन में यहां पर हम कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री स्टेट, जितने भी एलिमेंट्स मिले हुए हैं वो फ्री स्टेट के अंदर है उनकी ऑक्सीडेशन नंबर जो हमें जीरो मिलेगी। जैसे यहां पे सोडियम है, हमारे पास Na है, Na के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो यहां पे हम कहेंगे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमें जीरो है। कॉपर है, कॉपर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यहां पे कॉपर को हम यहां पे ये कहेंगे सो कॉपर जो है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। इस तरीके से कुछ मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं, यहां पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं तो यहां पर इनकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है हम यहां पर कहेंगे वो जीरो है। नाइट्रोजन है, N2 है, इनके ऊपर यहां पर कहेंगे तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमें मिलेगी जीरो मिलेगी। तो सिंपल हम ऐसा कह सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ फ्री स्टेट, जितने भी एलिमेंट्स है फ्री स्टेट के अंदर मिले होते हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हमें जीरो मिलेगी। अच्छा, उनके बाद नंबर टू पॉइंट है, उनके बारे में हम यहां पे डिस्कस करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है किसी कंपाउंड्स के अंदर है वो, अगर फॉर एग्जांपल कोई कंपाउंड हम लेते हैं, अगर कोई कंपाउंड सॉरी यहां पर हम यहां सपोज करें कि हम HCl ले रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उनकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा माइनस के अंदर नेगेटिव के अंदर मिलेगी। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हम यहां पे कहेंगे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हमें यहां पे क्या मिलेगी -1 है, जबकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की हम यहां पे कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हमें +1 मिलेगी, क्यों, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अच्छा, उनके बाद यहां पर हम डिस्कस करते हैं तो अगर कोई हम यहां पर कहेंगे इन ए न्यूट्रल स्पेशीज है ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है, कोई भी न्यूट्रल स्पेशीज है, जैसे हमारे पास यहां पे हम डिस्कस करते हैं HCl है, HCl है, इनके ऊपर पॉजिटिव है, यहां पे नेगेटिव है, अगर यहां पे हम देखेंगे +1 है और -1 है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर हमें क्या मिलेगी जीरो मिलेगी। मीन्स हम यहां पे कहेंगे किसी न्यूट्रल स्पेशीज है, या चाहे हम इनका दूसरा एग्जाम्पल हम यहां पर लेते हैं H2SO4 है तो इनका भी यहां पे देखेंगे तो यहां पे न्यूट्रल स्पेशीज की ऑक्सीडेशन नंबर हमें क्या मिलेगी जीरो मिलेगी। अच्छा, और भी हम यहां पे हम डिस्कस करते हैं कि उसके बाद यहां पे हम देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन है,
ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो चेंज होती है। वैसे तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मली -2 होती है, जबकि यहाँ पे और जो यहाँ पे हम कहेंगे उनके अलावा यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर जो है +2 भी मिलती है हमें, -1 भी मिलती है, -1/2 है। तो ये नॉर्मली हम यहाँ पे कहेंगे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -2 मिलती है, बाकी उनके अलावा +2 भी मिलती है और -1 भी मिलती है, -1/2 भी मिलती है। तो ये सारी की सारी जो ऑक्सीजन, जैसे हम इनका एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करें हमारे पास जो एग्जाम्पल मिला हुआ है H2O, वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर के अंदर हम अगर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें तो यहां पे 2 है, यहां पे 2 सेमी से हम लिखते हैं, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, प्लस में हम यहां पे लिखेंगे ऑक्सीजन है, ये न्यूट्रल स्पीशीज है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, 0 होगी। सो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 है, और उनके अलावा यहां पे हम लिखेंगे प्लस, जो ऑक्सीजन है इज इक्वल टू 0 है, ये 2 प्लस हो रहा है, यहां पे ले जाएंगे माइनस है, सो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है -2 हमें मिली है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज है। जैसे हम यहां पे लेते हैं एक और एग्जांपल है, OF2 है, इनके अंदर हम यहां पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो यहां पे हम लिखेंगे O प्लस की साइन है और यहां पे 2 है, ये 2 लिखा हुआ है, और F है, F फ्लोरीन है, फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -1 है, इज इक्वल टू 0 है। तो 2 1 2 हम यहां पे लिखेंगे, -2 है इज इक्वल टू 0, ये माइनस का है, यहां पे ले जाएंगे, सो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें यहां पे मिल गई है +2 है। तो मींस हम यहां पे कहेंगे, वैसे तो नॉर्मली हमें यहां पे -2 मिलती है, मगर यहां पे +2 भी मिल सकती है। और उनके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज करेंगे हमारे पास मिला हुआ है Na2O2 है, इसके अंदर अगर हम ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें तो यहां पे हम लिखेंगे 2 है और सोडियम है, सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिलेगी +1 है, प्लस हम लिखेंगे 2 है, यहां पे हम लिखेंगे ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0, हमने ये लिखा है, 2 1 2 है, ये लिखेंगे प्लस में हम यहां पे कहेंगे 2 ऑक्सीजन है, ये हमने लिखा इज इक्वल टू 0, 2 प्लस हो रहा है, यहां पे ले जाएंगे माइनस है, सो 2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू, हम यहां पे लिखेंगे -2 है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को यहां पे ले जाएंगे, सो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमें यहां पे मिलेगी -1 है। तो हम देखते हैं -1 भी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमें मिल सकती है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज करें कि हमारे पास जो मिला हुआ है कि हम यहां पे लिखते हैं KO2 है, इसके अंदर हम ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें, पोटेशियम है, पोटेशियम फर्स्ट एक ग्रुप है, फर्स्ट एक ग्रुप आ रहा हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो इनकी हम यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं +1 है और ऑक्सीजन लिखा है, और उनके बाद यहां पे हम लिखते हैं ऑक्सीजन है, और ये न्यूट्रल स्पीशीज है, सो हम यहां पे लिखेंगे 0 है। अच्छा, उसके बाद यहां पे हम क्या कहेंगे, ये प्लस है, यहां पे ले जाएंगे, सो 2 ऑक्सीजन हमने यहां पे लिखा है, ये हम -1 लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे ले जाएंगे, सो हम यहां पे -1/2 है। मीन्स हम यहां पे कहेंगे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादातर हमें -2 भी मिलती, ज्यादातर हमें -2 मिलती है, और उनके अलावा हम यहां पे कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और उनके +2 है और -1 है, और उनके अलावा हम यहां पे कहेंगे -1/2 है, ये ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमें मिलेगी। अच्छा, उनके बाद कुछ और हम यहां पे डिस्कस करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन स्टेट की किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सो पहले हमारे पास यहां पे मिला हुआ है KMnO4 है, और इनके अंदर हम अगर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हम कैलकुलेट करना चाहें तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। पहली बात तो यहाँ पे पोटेशियम मिला हुआ है, तो पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता है कि पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, क्योंकि ये फर्स्ट एक ग्रुप के साथ ताल्लुक रखता है। और उनके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे हम -2 जो लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे KMn और O, यहाँ पे 4 लिखा है, इज इक्वल टू यहाँ पे 0 लिखते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल स्पेशीज है। और पोटेशियम है, पोटेशियम की बजाय यहाँ पे हम +1 लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे Mn है, ये लिखा प्लस में, यहाँ पे 4 है, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे लिखते हैं -2 इज इक्वल टू 0 है। और 2 यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी +1 है, और यहाँ पे प्लस हम लिखेंगे Mn है, और 2 4 8 है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस जो है 8 है इज इक्वल टू 0 है। अच्छा, 8 में से 1 जो जाएगा बाकी कितना बचेगा, सो हम यहाँ पे कहेंगे -7 है इज इक्वल टू 0 है, ये माइनस हो रहा है, यहाँ पे ले जाएंगे, सो Mn है, Mn की जो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +7 है वो हमें मिल जाएगी। तो इसी तरीके से एक और कंपाउंड हम लेते हैं और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कैलकुलेट करते हैं।
अच्छा, उनके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और कम यहाँ पे मिला हुआ है, सल्फेट है SO, यहाँ पे लिखते हैं 4 है और यहाँ पे -2 जो है या इनके ऊपर चार्ज है वो मिली हुई है। अच्छा सल्फेट है, सल्फेट की हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं, इनमें सल्फर है, सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर जो है या ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी। तो सल्फर है, सल्फर हमें जो फाइंड आउट करना है, प्लस हम यहाँ पे लिखेंगे 4 है, 4 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और यहाँ पे हम जो है ये न्यूट्रल स्पेशीज नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे -2 है। 2 4 8 है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे -8 है इज इक्वल टू -2 है, ये माइनस हो रहा है यहाँ पे ले जाएंगे तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हम 8 -2 करेंगे सो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें -7 है, ये हमें मिल जाएगी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है। अच्छा उसके बाद जो है कुछ इनके MCQs है, MCQs को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो कुछ MCQs है, सो MCQs के यहाँ पे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि हमें यहाँ पे कहा गया है कि Na2 है, Na2S2O3 है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सल्फर, इनके अंदर जो सल्फर है सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या है। सो ऑप्शन 1 है, ऑप्शन ए के अंदर हमें जो कहा गया है कि +1 है और बी के अंदर +2 है, +3 है या +4 है, तो इनके अंदर यहां पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है वो हम कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि सोडियम है, सोडियम फर्स्ट ग्रुप के साथ जो है बिलोंग करता है, तो हम यहां पे लिखेंगे 2 है और यहां पे सोडियम है, सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +1 लिखेंगे। सोडियम है, सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमें मिलेगी +1 है, सल्फर है, सल्फर की हमें मालूम करनी है, जबकि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो हम यहां पे कहेंगे -3 जो है, सॉरी -2 है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो प्लस यहां पे सल्फर है तो हम यहां पे लिखेंगे तो सल्फर है और यहां पे हम लिखेंगे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, ये न्यूट्रल है सो इसलिए हम यहां पे लिखेंगे 0। अच्छा 2 1 2 है, प्लस हम यहां पे लिखेंगे 2 सल्फर है और 2 3 6 है, यहां पे हम 6 लिखेंगे इज इक्वल टू 0 है और 6 में से 2 अगर यहां पे हम सब्ट्रैक्ट करें तो यहां पे हमें मिलेगा -4 है इज इक्वल टू 0, ये माइनस है यहां पे ले जाएंगे सो 2s इज इक्वल टू +4 हमें ये मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 को यहां पे ले जाएंगे सो यहां पे हम 2 डिवाइड करेंगे सो हमें यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर है, सल्फर की हमें प्लस जो है 2 मिल जाएगी। तो यहां पे हम कहेंगे करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो बी है, सो बी को यहां पे हम कहेंगे जो बी है +2 है सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट ये मिलेगी। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, नेक्स्ट एमसीक्यूज के अंदर हमें यहां पे कहा गया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मालूम करनी है कि हमारे पास मिला हुआ है H है, HClO4 है, इनके अंदर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होगी। सो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमें पता है कि हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, फर्स्ट ग्रुप के साथ ताल्लुक रखता है तो यहां पे +1 है, क्लोरीन की मालूम करनी है, ऑक्सीजन की हम यहां पे लिखेंगे -2 है। सो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए हम यहां पे लिखेंगे +1 है, ये हमें हाइड्रोजन के लिए लिखा, क्लोरीन है, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कैलकुलेट करनी है, प्लस हम यहां पे लिखेंगे 4 है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है इज इक्वल टू हम यहां पे लिखेंगे 0 है, वो लिखेंगे +1 है, प्लस क्लोरीन है, क्लोरीन सेमी सेम लेंगे, 2 4 8 है सो -8 लिखेंगे इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें माइनस जो है 8 मिल जाएगा और 8 में से अगर 1 जाएगा बाकी जो बचेगा हमें 7 और इज इक्वल टू 0 है, इसको यहां पे ले जाएंगे सो क्लोरीन है, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमें यहां पे मिलेगी वो हम यहां पे कहेंगे +7 है। सो ए ऑप्शन के अंदर हमारे पास है -1 है, बी ऑप्शन के अंदर +1 है और सी ऑप्शन के अंदर +5 है, डी ऑप्शन के अंदर जो है +7 है, सो हम कहेंगे करेक्ट ऑप्शन जो है डी मिलेगा +7 है, सो ये इनका ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाएगी। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, उनको हम यहां पे डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यूज के अंदर हमें यहां पे कहा गया है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज +5, कौन से कंपाउंड्स यहां पे कंपाउंड्स मिले हुए हैं इनमें से किसकी जो नाइट्रोजन मिला हुआ है नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 5 है वो, तो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन को हम यहां पे डिस्कस करते हैं, पहले NO2 है, इनके अंदर हम देखते हैं ये करेक्ट ऑप्शन है या नहीं है, तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की हमें मालूम करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पे 2 लिखेंगे, ऑक्सीजन के लिए -2 इज इक्वल टू 0 है, 2 2 4 है सो यहां पे हम लिखेंगे -4 इज इक्वल टू 0, सो एन है, एन इज इक्वल टू यहां पे हम लिखेंगे +4 है, सो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन हम यहां पे कहेंगे ये नहीं होगा क्योंकि इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +4 मिल रही है। अच्छा उसके बाद बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन का हम यहां पे जिक्र करते हैं, बी के अंदर हमें यहां पे कहा गया है N2O4 है,
सो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मालूम करनी है, यहां पे प्लस लिखेंगे, और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए हम यहां पे लिखेंगे माइनस टू है इज इक्वल टू जीरो, टू फोर द एट है, सो यहां पे हम लिखेंगे माइनस एट है इज इक्वल टू जीरो है, सो एट माइनस का है, यहां पे ले जाएंगे टू एन इज इक्वल टू प्लस एट हमें मिल जाएगा, टू मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे ले जाएंगे सो एन इज इक्वल टू एट अपान में टू है, सो हमें अंश जो मिलेगा हम यहां पे कहेंगे प्लस फोर है। तो दूसरे के अंदर बी ऑप्शन है, इनके अंदर भी जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिल रही है प्लस टू है। उसके बाद यहां पे हम थर्ड जो ऑप्शन है उनको डिस्कस करते हैं, तो सी ऑप्शन के अंदर हमें यहां पे कहा गया N2O3 है, इनके अंदर हम चेक करते हैं ये ऑप्शन करेक्ट है या नहीं है। तो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के लिए हम यहां पे 2N लिखेंगे, और प्लस में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू है इज इक्वल टू जीरो है, टू थ्री दा सिक्स है, सो हम यहां पे लिखेंगे N2 है, माइनस सिक्स है इज इक्वल टू जीरो है, ये माइनस हो रहा है, यहां पे ले जाएंगे 2N है इज इक्वल टू प्लस सिक्स हमें मिलेगा, टू मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे ले जाएंगे सो एन है, एन इज इक्वल टू प्लस सिक्स अपान में टू है, हमें अंश जो मिलेगा प्लस थ्री मिलेगा। सो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमें मिली है वो हम यहां पे कहेंगे प्लस थ्री है। सो बाकी जो है डी ऑप्शन बचा हुआ उनको भी चेक कर लेते हैं, वाकई ये इनका जवाब है, करेक्ट आंसर है या नहीं है। सो डी के अंदर हमें यहां पे मिला हुआ है N2 है, O5 है, डी ऑप्शन है N2O5 है, इनको हम यहां पे चेक करते हैं। नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मालूम करनी है, यहां पे प्लस लिखेंगे, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमें माइनस टू है वो हम लिखेंगे, 2 5 10 है, सो हम यहां पे लिखेंगे n माइनस 10 है इज इक्वल टू जीरो है, और ये 10 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सॉरी यहां पे माइनस का है, इस साइड पे ले जाएंगे 2n है इज इक्वल टू हम लिखेंगे प्लस 10 है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे ले जाएंगे n इज इक्वल टू प्लस 10 है अपान में 2 है, 2 का टेबल यहां पे 5 टाइम्स, और नाइट्रोजन को यहां पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी 5 है। So, यहां पे हम कह सकते हैं डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इनका हमें करेक्ट जो मिला हुआ है। अच्छा, उसके बाद एक और एमसीक्यूज है, उनको हम यहां पे डिस्कस करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट है। फ्री स्टेट के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर जो है हम यहां पे पढ़ के आए हैं कि फ्री स्टेट के अंदर कोई एलिमेंट जो मिला होगा उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें जीरो मिलेगी। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमें मिलेगा, वो हम कहेंगे सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन जो है वो हम यहां पे कहेंगे करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ए के अंदर निगेटिव, बी के अंदर पॉजिटिव, सी के अंदर जीरो, डी के अंदर प्लस माइनस वन है, सो हम यहां पे कहेंगे सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, वो सो हम यहां पे कहेंगे। तो सो उनके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट है या ऑक्सीडेशन नंबर को पढ़ने के बाद हम यहां पे पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, रिडक्शन रिएक्शन जो है वो क्या है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज इन विच इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट बाय एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिनके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन है, कोई ग्रुप एटम और ग्रुप ऑफ एटम है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, तो उसी को हम यहां पे कहेंगे ऑक्सीडेशन जो है यहां पे कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। जैसे हमारे पास यहां पे आयरन है, आयरन है, आयरन अगर दो इलेक्ट्रॉन है वो दे रहा है, तो यहां पे प्लस चार्ज लिखेंगे, तो इन्होंने दो इलेक्ट्रॉन जो है लॉस किए, तो हम यहां पे कहेंगे कि जो जो ऐसे एटम ग्रुप ऑफ एटम जो किसी केमिकल रिएक्शन के दरमियान हम यहां पे कहेंगे इलेक्ट्रॉन दे, तो उसी को ऑक्सीडेशन है। या ऑक्सीडेशन को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन विच जो ऑक्सीडेशन नंबर जो है किसी केमिकल रिएक्शन का वो इंक्रीज हो। जैसे हम यहां पर लिखेंगे आयरन है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है रिएक्टन पे जीरो है, और जीरो से लेकर टू है, तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो तो उसी को हम यहां पे कहेंगे ऑक्सीडेशन जो है यहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, उसके बाद यहां पे रिडक्शन की हम बात करें, रिडक्शन है, रिडक्शन को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, रिडक्शन रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज इन विच द इलेक्ट्रॉन आर गेन बाय एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। रिडक्शन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है कोई एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो इलेक्ट्रॉन को ले, सो तो उसी को हम यहां पे गेन करे, तो उसी को हम यहां पे रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन है, क्लोरीन अगर हमारे पास यहां पे मिला हुआ है, क्लोरीन को हम यहां पे दो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो क्लोरीन है, क्लोरीन किसके अंदर है, तो यहां पे क्लोरीन के ऊपर माइनस जो वन है ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी माइनस वन होगी, तो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मीन्स गेन इलेक्ट्रॉन को हम रिडक्शन कहते हैं, या हम यहां पे लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर जो है इनकी जीरो है, इनकी यहां पे माइनस वन है, सो जीरो टू यहां पे हम कहेंगे माइनस वन है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या हुई है, रिड्यूस हुई है, कम हुई है, तो इसलिए हम इनको रिडक्शन जो है वो हम कहते हैं।